बच्चों, तो आज हम देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, काउंटर क्या होता है? काउंटर का मतलब है किसी ऑपरेशन को काउंट करना, नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट करना, या किसी क्वांटिटीज को काउंट करना, या किसी टाइम को काउंट करना। तो काउंटर का मतलब क्या है? देखिए, काउंटर सपोज करिए एक गेट है, एक गेट है, मैं आपको बताता हूँ, पेन खोल दूं मैं, ये देखिए, आप इसको देखिए, गेट है ये, सपोज करो ये कोई गेट है। ठीक है, अब इस गेट में से कोई पर्सन इन होता है तो कितने पर्सन इन हो गए ये हमें देखना है। ठीक है, कोई वोटिंग मशीन देखी होगी आपने, वोटिंग मशीन में देखा होगा वोट्स मिलते हैं तो उनको काउंट करना। तो किसी इवेंट को अकर होने को काउंट करना, कोई भी इवेंट अगर हो रही है तो उसको काउंट करना। पेप्सी की बोतलें भरी जाती हैं तो कितनी बोतलें भर गई उनको काउंट करना। तो नॉर्मली काउंटर एक ऐसी चीज है जो पल्सेस को काउंट करता है, नॉर्मली पल्स को काउंट करे वो काउंटर है। ठीक है, काउंटर कहाँ यूज हो रहा है? जैसे मैंने बताया, ये तो था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने में, एड्रेसिंग करने में और टेम्परेरी स्टोरेज करने में। अब काउंटर बनते कैसे हैं? देखिए, काउंटर एक सिक्वेंशियल सर्किट है नॉर्मली, तो वो फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में अरेंज करने से बनते हैं और इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो काउंटिंग करे। फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में जोड़ने से आपका काउंटर डिजाइन होता है। अब ये काउंटर जो काउंट करते हैं वो बाय वन भी कर सकते हैं, बाय टू भी कर सकते हैं, और बाय थ्री भी कर सकते हैं, बाय फोर भी कर सकते हैं, और स्पेशल काउंटिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ काउंट कहां तक करेगा उसको कहते हैं मोड। उसको क्या कहेंगे? मोड। टोटल नंबर ऑफ काउंट कहां तक करेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक काउंटर है जिसको 16 तक काउंट करना है, तो मतलब वो 0000 से लेकर 1111 तक का काउंट करेगा, तो इसके कहेंगे मोड 16 काउंटर, क्योंकि ये 16 तक काउंट कर सकता है जीरो से। ठीक है, और अगर मोड 8 है तो वो 7 तक काउंट करेगा, 0 to 7। तो मोड का मतलब है मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो वो काउंट कर सकता है। ठीक है, अब हार्डवेयर काउंटर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं गिवन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ डिजिट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो काउंटर रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बात करें 3 डिजिट का डेसिमल काउंटर, तो 3 डिजिट का डेसिमल काउंटर 0000 to 999 तक ही काउंट करेगा, राइट है। अब मान लीजिए एक काउंटर है जिसका मोड है 1000। ठीक है, मोड 1000, अब मोड 1000 है तो वो 1000 तक काउंट कर सकता है, पर मान लो आपका 3 डिजिट आपने लगा रखा है, 3 डिजिट लगा रखा है और हम बोल रहे हैं मोड 1000 काउंटर, तो वो जो 999 के बाद काउंट करेगा वो वापस 000 पे आ जाएगा। 1000 काउंट तो हो गई, टोटल काउंटिंग तो 1000 हो गई, पर 999 के बाद वो वापस 000 पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो काउंटर 0 to 999 कर रहा था, ठीक है, इसको कहा अप काउंटर, और जो डाउन काउंट करता है जैसे 999 998 उसको कहते हैं डाउन काउंटर। अब काउंटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं? डिजिटल मल्टीमीटर में भी यूज होते हैं, जहाँ पे वोल्टेज मेजर कराया जाता है और डिस्प्ले कराया जाता है डिजिटली। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज होता है, राइट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिजिटल को काउंट करते हैं, राइट है। नहीं, आजकल जो गैजेट्स आते हैं वॉल के ऊपर लगे होते हैं वो डायमेंशन मेजर करते हैं, दो वॉल के बीच की डायमेंशन, उसके लिए काउंटर यूज होते हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा काउंटर में कि व्हीकल ट्रैकिंग होती है, व्हीकल ट्रैकिंग कितना है वो। ठीक है, और ये जब आप टिकट बेचते हो, देखा होगा आपने कभी कभी हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में तो जैसे जैसे पर्सन आगे जाते आते हैं, रजिस्ट्रेशन होता जाता है, काउंटिंग बढ़ती जाती है, तो ये काउंटर के बेसिक एप्लीकेशन है, राइट है नहीं है। ठीक है, अब आप आते हैं काउंटर के टाइप्स। काउंटर के दो टाइप्स हैं, एक एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, रिपल काउंटर की खासियत क्या है? इसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, राइट है, पर सबकी क्लॉक अलग अलग है, एक साथ सारे ट्रिगर्ड नहीं होंगे, सब अलग अलग टाइम पे ट्रिगर्ड होते हैं। बात समझ में आ गई है? नहीं, एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड नहीं होते, सबको अलग अलग क्लॉक से ट्रिगर्ड कराया जाता है। ठीक है, इसको एक सीरियल काउंटर भी कहते हैं, क्योंकि सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सीरियली कनेक्टेड है। और ध्यान रखना, केवल आप क्लॉक पल्स पहले वाले को अप्लाई करोगे, बाकियों को क्या होगा, जो आउटपुट आता है काउंटर का वो दूसरे की क्लॉक बनता है, तो आउटपुट आएगा आपका
किसी एक फ्लिप फ्लॉप का, वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बनता है। तो वी कैन से जो क्लॉक है वो रिपल हो रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आई है? कि जो पहला वाला है, जैसे मैं डायग्राम में बता देता हूँ आपको, पहला वाला है जैसे ये आपका एक काउंटर है, ये लीजिए आप, ये लीजिए, जैसे ये फ्लिप फ्लॉप है, फिर एक फ्लिप फ्लॉप है, तो पहले वाले को तो क्लॉक आप लगाओगे, ये पहले वाले को तो क्लॉक लगा दिया आपने, पर दूसरे वाले को क्लॉक पहले वाले के आउटपुट से जाएगी, तो मतलब क्लॉक रिपल कर रही है, क्लॉक रिपल कर रही है स्टेज बाय स्टेज, इसलिए इसको रिपल काउंटर कहते हैं। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, तो क्लॉक जो है वो रिपल कर रही है, इसलिए इसे रिपल काउंटर कहा गया। पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक्ड किया है एक्सटर्नल क्लॉक से, वो आपने लगाई है पहले को, पर जो बाकी फ्लिप फ्लॉप है वो पिछले वाले की क्लॉक से ही, वो आउटपुट से ही ट्रिगर्ड होंगे। ठीक है, अब बात यह आती है इस वजह से कुछ डिले भी आ जाता है इसके अंदर, उस वजह से कुछ डिले भी आता है, क्योंकि पहले का आउटपुट दूसरे की क्लॉक बनेगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे की क्लॉक बनेगा, तीसरे का आउटपुट चौथे की क्लॉक बनेगा, तो जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ती जाएंगी आपका प्रोपोगेशन डिले भी बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं प्रोपोगेशन डिले, क्यों? क्योंकि पहले वाले का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज पे भी तो जा रहा है, तो उससे प्रोपोगेशन डिले आ जाता है। तो एसिंक्रोनस काउंटर स्लो होते हैं, ये डिकोडिंग एरर देते हैं, ये सीरियल काउंटर होते हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन इजी है, और ये केवल दो ही मैनर में काम करते हैं, या तो अप या डाउन, फिक्स काउंट सीक्वेंस है इनका, अप और डाउन। ठीक है, हाई प्रोपोगेशन डिले है, ठीक है, और सारे फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट एक साथ चेंज नहीं करते, केवल एट ए टाइम एक ही फ्लिप फ्लॉप, नॉर्मली एक या दो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ स्टेट चेंज कर लें। ठीक है, फिर आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉब्लम विद रिपल काउंटर में क्या है, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप स्टेज जोड़ते जाएंगे डिले बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्टेज जोड़ते जाएंगे डिले बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे काउंटर स्लो डाउन हो जाता है, और खासकर इस स्लो डाउन होने के साथ साथ वो एरर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है अगर ज्यादा है, इसको कहते हैं ग्लिच प्रॉब्लम। अब ग्लिच प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स है और स्पाइक है जो आउटपुट में आ जाती है। सपोज करो आप मोड थ्री रिपल काउंटर बना लो, मोड थ्री का मतलब डबल जीरो टू डबल वन, डबल जीरो टू डबल वन, तो बात करेंगे जैसे ही हम देखते हैं कि थर्ड कॉल फॉलिंग क्लॉक आ जाती है, दोनों को वन वन बन रहा है। ठीक है, अब बात यह आती है जैसे वन वन बनना है उसके बाद में कुछ देर के लिए ये रिसेट सर्किट जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, कुछ देर के लिए, राइट, और आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो आपकी एक पल्स जनरेट कर देती है, अननोन पल्स ग्लिच। मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, देखिए क्लॉक चल रही है वन टू थ्री, ठीक है, डबल जीरो जीरो वन वन जीरो, अब वन वन आना था, और वन वन आना था मतलब आपने तीन स्टेट तो काउंट कर ली, मोड थ्री है, पर आप देखो मोड थ्री का मतलब है तीन, मोड थ्री का मतलब है तीन, पर आप चाहते हो कि वन वन नहीं आए डबल जीरो आ जाए, वन वन नहीं आए डबल जीरो आ जाए, क्योंकि आपने जो काउंटर बनाया था वो कैसे बनाया था, आपने जो काउंटर बनाया वो बनाया कि डबल जीरो से लेके डबल वन तक काउंट करे, ये काउंटर आपने बनाया, पर आपने अब मूड चेंज कर दिया कि मेरा जो काउंटर है वो 10 पे स्टॉप हो जाए। अब 10 पे स्टॉप होने लगता है, पर बीच में कुछ देर के लिए जो है एक अननोन पल्स आ जाती है जिसे कहते हैं ग्लिच, एक अनडिजायर्ड पल्स जनरेट हो जाती है, फिर तो उसके बाद 00 होता है, मतलब ये अनवांटेड स्टेट 11 आ गई है थोड़ी देर के लिए, इसको कहते हैं ग्लिच प्रॉब्लम। बात समझ आ गई? जैसे मान लो आपको 0 to 10 काउंट करना है, तो काउंटर तो आपने मोड 16 नहीं लिया, काउंटर तो आपने मोड 16 नहीं लिया है ना, काउंटर आपने मोड 16 लिया है, पर आपको 10 तक ही काउंट करना है, तो 10 के बाद 11 आने की कोशिश करेगा थोड़ी देर के लिए, आपको काउंटिंग तो 16 तक ही करने की कोशिश करेगा, पर आपने उसको ऐसा कर दिया है कि वो स्टॉप हो जाए 10 के बाद और वापिस 0 हो जाए, वापिस 0 हो जाए, तो इस दौरान एक अनडिजायर्ड पल्स जनरेट हो जाती है। जैसे मान लो मेरे को मोड 8 काउंटर है, मतलब 0 टू 8 काउंट होगी, मोड 8 काउंटर है मतलब 0000 to 111 काउंट होगी, पर मैं चाहता हूं कि 101 पे वापस स्टॉप हो जाए और रिसेट हो जाए 101 पे, तो 101 पे वापस 000 आना चाहिए आउटपुट, 101 के बाद 000 आउटपुट आना चाहिए, पर हो क्या रहा है 101 के बाद थोड़ी देर के लिए 110 आता है, मतलब 6 नंबर, फिर उसके बाद 000 होता है, तो वो जो थोड़ी देर के लिए 110 आने की कोशिश करी है उसको ग्लिच कहते हैं। बात समझ में आ गया नहीं आया? रिपल काउंटर अगर n बिट का रिपल काउंटर है तो टोटल स्टेट कितनी होंगी, 2 की पावर n, तो मतलब ये मोड n काउंटर हो गया, मोड n, मोड a 2 की पावर n काउंटर हो गया,
मोड एट, तो ये मैक्सिमम एबिलिटी होती है काउंट करने की, उसे कहते हैं मोड। जैसे ये देखिए मोड क्या होता है, टू की पावर एन होता है मोड, ये मोड जो है ये टू की पावर एन है। ये टू की पावर एन है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि मोड है, जैसे आपने बोला फोर बिट काउंटर है, तो फोर बिट काउंटर की काउंटिंग क्या होगी, डबल जीरो डबल जीरो से लेकर डबल वन डबल वन, तो टोटल कितना हो गया, टू की पावर फोर माइनस वन, मोड फिफ्टीन काउंटर हो गया। ये मोड फिफ्टीन मतलब सोलह स्टेट आएंगे, सोलह स्टेट, टोटल स्टेट्स को अपन मोड कहते हैं, राइट है। अब ये काउंटिंग अप भी कर सकता है, काउंटिंग डाउन भी कर सकता है, ये दोनों तरीके से काउंट करता है, रिवर्स में भी और वैसे भी। हाँ, इसको बीच में रोका भी जा सकता है, बीच में रोका भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ये दो तरह की ट्रिगरिंग होती है, पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज। अगर पॉजिटिव एज है तो लो टू हाई, और नेगेटिव एज है तो हाई टू लो, ठीक है। पॉजिटिव एज है तो लो टू हाई, और नेगेटिव एज है तो हाई टू लो। इसमें नॉर्मली तीन तरह के फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, जेके टी या डी, ये तीन तरह के फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। काउंट की डायरेक्शन या तो अप होगी या डाउन होगी, अप डाउन होगी, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड एन काउंटर भी होता है जहां एन बराबर टू की पावर एन है, और लेस देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, इसे कहते हैं ट्रंकेटेड। इसे क्या कहते हैं, ट्रंकेटेड। बात समझ आ गई है नहीं आई? ट्रंकेटेड मतलब बीच में ही आपने रोक दिया, काउंट तो जीरो से पंद्रह तक करना था और उसके बीच में रोक दिया आपने, तो उसको कहते हैं ट्रंकेटेड, मतलब आपने सेट कर दिया। बात समझ आ गई है नहीं आई? इसके बाद आता है अप काउंटर। अप काउंटर क्या करता है, जो काउंट करे वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में, जो डाउन काउंटर जो काउंट करे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अप डाउन काउंटर ये आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ देता है कि अप कराना चाहते हो या डाउन कराना चाहते हो। और डिवाइड बाय एन काउंटर ये क्या करता है, बेस टेन, जो बेस टेन है पावर टेन, टू की पावर में काम नहीं करता ये, डिवाइड बाय बेस टेन में काम करता है, जो डेसिमल नंबर की काउंटिंग करे उसको डिवाइड बाय एन काउंटर कहते हैं, राइट है। अब मैंने क्या बताया, एसिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं, रिपल काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर है, हर फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग पल्स मिलती है, सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल मोड में काम करते हैं, केवल पहले फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दी जाती है, बाकी फ्लिप फ्लॉपों को प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से ट्रिगर कराया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आई? और ध्यान रखना, जिसको आप क्लॉक दे रहे हो वो एलएसबी है, जिसको आप क्लॉक दे रहे हो खुद वो एलएसबी है। अब बने रिपल काउंटर देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप से। जेके फ्लिप फ्लॉप में देखिए दो फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, टू बिट का है, टू बिट का मतलब कितनी हो गई, मोड मोड टू काउंटर हो गया, मोड टू काउंटर हो गया क्योंकि टू बिट का है, सॉरी मोड थ्री काउंटर हो गया, सॉरी थ्री टू बिट का है ना, ये टू बिट का मतलब डबल जीरो जीरो वन वन जीरो वन वन डबल जीरो जीरो जीरो, तो ये कितने हो गए, मोड थ्री तक चलेगा, मतलब टोटल स्टेट चार आएंगी, डबल जीरो तो इनिशियल स्टेट आई, फिर जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन वन, ये है। अब ये नेगेटिव ट्रिगर ले रहे हैं अपन, ध्यान रखना कौन सा ट्रिगर ले रहे हैं, नेगेटिव ट्रिगर। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, पहले वाले का आउटपुट दूसरी की क्लॉक बनती है, तो अपन देख रहे हैं पहले वाले का आउटपुट दूसरी क्लॉक बनती है, और क्लॉक अपन अलग से लगाते हैं। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में ध्यान रखना, आप कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप लो, इसमें जेके लो चाहे ट्री लो, जेके और टी के लिए आपको नॉर्मली अपन जानते हैं, देखिए आप जेके में जीरो जीरो पे पिछली स्टेट ही आती है, जीरो वन पे जीरो आ जाता है, वन जीरो पे वन आ जाता है, वन वन पे वन वन पे टोगल हो जाती है पिछली स्टेट। तो हम चाहते हैं टोगल मोड में काम करवाना, हम क्या चाहते हैं टोगल मोड में काम कराना, तो हम क्या करेंगे, दोनों फ्लिप फ्लॉप मतलब कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप हो, जे और के को वन करेंगे, जे और के को वन करेंगे, और नेगेटिव एज ट्रिगर रख रहे हैं, ध्यान रखना नेगेटिव एज ट्रिगर रख रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, नेगेटिव एज ट्रिगर है, ये देखिए आपके स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे दो बिट का है ये काउंटर, ये देखिए आप। अब मैं यहां पे आया, यहां पे आके मैंने क्या करा, एक जेके फ्लिप फ्लॉप ले लिया, जे और के, जेके फ्लिप फ्लॉप देखा होगा, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, आप ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, एक और दो बिट का ले रहे हैं, तो दो फ्लिप फ्लॉप टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बिट्स के हिसाब से होंगे, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं आपके, अगर अगर आपका जैसे मान लो
सेवन की काउंटिंग करनी है, सेवन तक काउंट करना। देखो चार तक काउंट करना है, जीरो टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, तो एन बराबर टू हो गया। और पांच तक काउंटिंग करनी है, पांच तक, पांच तक, तो फॉर्मूला क्या होगा? पांच तक करनी है आपको। देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको पांच करना है तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आपको तीन लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? तीन। क्यों? टू की पावर टू प्लस समथिंग, मतलब देखिए एन बराबर टू है, एन बराबर टू है तो टू की पावर टू कितना होता बेटा? फोर। मतलब जीरो टू थ्री काउंट हो जाएगा, जीरो वन टू और थ्री, चार स्टेट आ गई। एन बराबर थ्री कर दिया तो जीरो टू सेवन काउंट हो जाएगा, जीरो टू सेवन, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता था जिसका मैंने आपको बताया भी था, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का, ये देखिए आपको। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा अभी, एक मिनट रुकिए। और फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, देखिए ये रहा, कोई बात नहीं मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। टू की पावर एन माइनस वन और वन, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ये देखिए आप पहले डायग्राम पे आ जाइए, तो यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप है, जे और के को वन करना है, जे और के को वन करना है, तो दोनों फ्लिप फ्लॉप के जे और के को पहले बांध दो और फिर वन लगा दो। वन कैसे लगाओगे आप? लॉजिक स्टेट लो, लॉजिक स्टेट ले लिया, ये आ गया लॉजिक स्टेट सोर्स, ये तो हो गया इनपुट अप्लाई करने के लिए एक। अब आता है लॉजिक स्टेट इंडिकेटर, लॉजिक स्टेट इंडिकेटर, ये रहा, ये हो गया आपका आउटपुट एक और ये दो, ठीक है। अब इसका आउटपुट तो अपन यहां देंगे, ठीक, इसकी आउटपुट अगले की क्लॉक बनेगी, रिपल काउंटर में ये कंडीशन है, ठीक है। और ये अपनी यहां बन गई, और ये अपन ने यहां दे दिया, ठीक है। और इसी वन को यहां देंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जे के वन होना चाहिए स्टेट चेंज करने के लिए। और क्लॉक अपन ने कैसे दी है? क्लॉक अपन ने दे दी यहां पे, क्लॉक अप्लाई करने के लिए क्या करोगे आप? ये पल्स लो आप, ये पल्स को यहां लो आप, पल्स अप्लाई कर दी अपन ने यहां पे, ठीक है। और इस पल्स का टाइमिंग अपन ने रखा है चार सेकंड, चार सेकंड मतलब दो सेकंड हाई दो सेकंड लो, और पल्स का एम्पलीट्यूड भी रखना पड़ेगा पांच, पांच वोल्ट की है, पांच वोल्ट की है, चार सेकंड हाई चार सेकंड लो। अब ढंग से देखिए, अब मैं एक सीआरओ भी लगा देता हूं जिससे कि आपको आउटपुट दिखता रहे, ये पल्स आपको दिखती रहे पल्स, ये लीजिए आप, आपको पल्स भी दिखती रहेगी। अब मैं रन कर रहा हूं, रन कर रहा हूं, अब आप देखिए ये रन हो गया, आपको क्लॉक दिख रही है, ये दिख रही होगी क्लॉक। जैसे क्लॉक हाई टू लो होगी, ध्यान रखना क्लॉक आपकी हाई टू लो होगी, जब हाई टू लो, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो ये होगा। अब ये स्टेट चेंज कर रहा है क्या आपका? स्टेट चेंज कर रहा है क्या आपका? नहीं कर रहा है, देखिए आप, अब ये स्टेट चेंज करेगा, ये देखिए आप जीरो वन। अब देखिए जैसे ही हाई टू लो होगी दोबारा वन जीरो हो गया, फिर जीरो वन वन जीरो वन वन आ गया आपका डबल जीरो, ठीक है। अब जैसे हाई आएगी वापस जीरो टू वन, ये देखिए जैसे आपकी पल्स हाई टू लो होती है, अब वन जीरो आ जाएगी और जीरो वन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज हो रहा है वैसे ही क्लॉक हाई टू लो होगी, स्टेट चेंज होगी, जीरो 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 वन वन जीरो। डायग्राम देख लेते कैसा होता है,
देखिए अब होता क्या है कैसे वो मैं बताता हूं आपको। ये देखिए आप, क्लॉक 1 to 0 हो रही है, तो जो फ्लिप फ्लॉप है वो 0 to 1 हो गया, स्टेट चेंज हो गई, 0 to 1 हो गया। पर ये वाला आउटपुट दूसरी क्लॉक बन रहा है, तो ये तो लो टू हाई हुई है, तो पिछला वाला सेम रहेगा। अब वापस क्लॉक हाई टू लो हुई, क्लॉक हाई टू लो हो गई, तो ये 1 से 0 आ गया। अब जब ये 1 से 0 आ गया तो मतलब ये वाला क्लॉक बन रहा था, क्यू नॉट क्या बन रहा था, क्यू नॉट क्यू वन की क्लॉक बन रहा है, क्यू नॉट क्यू वन की क्लॉक बन रहा है, क्यू नॉट जो है वो हाई टू लो हो गया, तो इसने स्टेट चेंज कर ली। फिर आप अगली क्लॉक आई, अगली क्लॉक आई तो देखिए ये 0 से वापिस हाई हो गया, ये 0 से हाई हो गया, पर ये स्टेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि हाई टू लो चाहिए। तो कहने का मतलब है जो अपनी क्लॉक अगर हाई टू लो होगी तो क्यू नॉट स्टेट बदलेगा। बात समझ रहे हैं? अगर अपनी क्लॉक हाई टू लो होगी तो क्यू नॉट स्टेट चेंज करेगा, और जब क्यू नॉट हाई टू लो होगा तो क्यू वन स्टेट चेंज करेगा। बात समझ आ गई या नहीं? इस तरीके से आपकी काउंटिंग चलेगी, ठीक है। अब आ जाओ 3 बिट के काउंटर पे, तो 3 बिट का काउंटर भी बना लेते हैं अपन। यहां पे देखिए आप एक फ्लिप फ्लॉप होल्ड लो, एक फ्लिप फ्लॉप होल्ड लीजिए और ये फ्लिप फ्लॉप यहां पे लगा दीजिए, ये लीजिए, इसका आउटपुट यहां दे दो, इसको यहां बांध दो, ठीक है, और ये आउटपुट इसकी क्लॉक बना दो। ऐसे चलता है सारा हिसाब, ये गोला लग रहा है क्लॉक पे मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और इसको भी आउटपुट देख लो आप, देख ये लीजिए, और ये आउटपुट अपन ने यहां दे दिया और रन कर दो। जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जैसे जैसे क्लॉक चेंज हो रही है देखिए आप, 011, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो। क्लॉक जब नीचे गिर रही है तब देखिए आप, ट्रिपल वन। एक काम करता हूं मैं, इस क्लॉक का टाइम थोड़ा 2 सेकंड कर देता हूं, जैसे कि आपको और अच्छा दिखे। ले लीजिए आप, ये देखिए आप, ये स्टेट कब चेंज करता है ये देखना, ये देखिए जब ये नीचे गिरे ना तभी स्टेट चेंज करता है, देखना ये देखिए। अब यही है, अब अगली स्टेट कब आ रही है ये देखिए, जब ये नीचे गिरता है तब अपनी स्टेट चेंज करता है, तो इसे कहते हैं 3 बिट का काउंटर। बात समझ आ गई नहीं आई? तो 3 बिट का काउंटर हो गया, इसका डायग्राम ये है, ये रहा। अब इसमें क्या होगा, जब क्यू नॉट हाई टू लो होगा, जब क्लॉक हाई टू लो होगी क्लॉक, तो क्यू नॉट चेंज करेगा, जब क्यू नॉट हाई टू लो होगा तो क्यू वन स्टेट चेंज करेगा, पिछली की उल्टी, पिछली से उल्टी, और जब क्यू वन हाई टू लो होगा तो क्यू टू स्टेट चेंज करेगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है, अब आती है डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको ध्यान सुन लेना, देखिए अब चाहे इसको जेके से बनाओ चाहे टी से बनाओ, मैंने क्या बताया था, जे और के अगर वन हो रखे हैं, जे और के क्या हो रखे हैं, वन हो रखे हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू टी फ्लिप फ्लॉप। जे और के अगर वन हो रखे तो इट इज इक्विवेलेंट टू टी फ्लिप फ्लॉप। तो जेके लगाओ चाहे टी लगाओ बात बराबर है, जेके लगाओ चाहे टी लगाओ, आपको अगर जेके लगाना है तो जे और के दोनों वन करने पड़ेंगे, और टी लगाना है तो टी वन करना पड़ेगा। अब आपको डी से बनाना है, तो डी में क्या होता है, देखो इनपुट बराबर आउटपुट होता है, तो आउटपुट बराबर इनपुट होता है, आउटपुट बराबर इनपुट होता है, तो डी फ्लिप फ्लॉप से बनाने के लिए पहले टी को डी में बदलो। टी को डी में बदलने का एक ही तरीका है, पहले तो आपको ध्यान रखना कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होनी चाहिए, पहले तो क्या पता होनी चाहिए आपको, कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होनी चाहिए किसकी,
देखिए किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, जैसे एक्स को वाई से बनाना है। आपको अगर एक्स फ्लिप फ्लॉप वाई से बनाना है, एक फ्लिप फ्लॉप है एक्स, वो बनाना है वाई से, या यूं बोलो एक्स पता है वाई बनाना है, यूं बोल दो आप एक्स पता है वाई बनाना है, तो एक्स से वाई बनाना है। जैसे यहां पे टी फ्लिप फ्लॉप है एक्स और आपको डी बनाना है, आपको क्या बनाना है डी बनाना है, तो टी से डी बनाना है, टी से डी बनाना है, ये मैंने आपको बोला है। तो इसका फंडा क्या है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। आप क्या करिए कि टी की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लीजिए, टी की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लीजिए और डी की एक्साइटेशन टेबल लिख लीजिए। डी की एक्साइटेशन टेबल ये दी आपकी, टी की कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये दी, और फिर के मैथ की मदद से आप इनपुट निकाल लीजिए, के मैथ की मदद से इनपुट निकाल लीजिए। और टी बराबर क्या है, डी एक्सोर क्यू एन, टी बराबर क्या है, डी एक्सोर क्यू एन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अब फंडा क्या हुआ, ये देखिए टी बराबर क्या होता है, डी एक्सोर क्यू एन, ये अपन ने बना दिया डी एक्सोर क्यू एन। तो ध्यान रखना डी फ्लिप फ्लॉप से अगर आपको बनाना है, डी फ्लिप फ्लॉप से आपको अगर बनाना है, ये मैं बता देता हूं, ये रहा डी फ्लिप फ्लॉप से अगर आपको बनाना है तो जहां टी आता था वहां टी की जगह क्या बोलोगे, डी एक्सोर क्यू, मतलब टी बराबर डी एक्सोर क्यू आया है हमारा। तो देखिए आप फंडे को देखिए आप, टी बराबर क्या है, डी एक्सोर क्यू, डी बार क्यू प्लस डी क्यू बार, यही आया है डी एक्सोर क्यू को, मतलब डी बार क्यू प्लस डी क्यू बार, ये टी की वैल्यू आई है। अब टी नॉर्मली अपन करते क्या है एसिंक्रोनस काउंटर में, टी की वैल्यू नॉर्मली एसिंक्रोनस काउंटर में क्या रखते हैं, वन। तो वन रखने के लिए या तो डी क्यू बार वन हो जाए या डी बार क्यू वन हो जाए, बात बराबर है, या तो डी क्यू बार को वन कर दो, तो डी क्यू बार अप्लाई कर दो आप। तो यहां पे देखिए सर्किट में आपने देखा डी और ये क्यू बार, ठीक है, डी क्यू बार, बात समझ में आ गई है नहीं, तो डी पे आप क्यू बार अप्लाई कर दो तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप से एसिंक्रोनस काउंटर पता लग जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप से एसिंक्रोनस काउंटर पता लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू।